गाइस इतनी भीड़ है यहाँ पे, खाना खाने आए थे मगर तो मतलब कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई रमजान के बाद क्या आप व्लॉग्स कंटिन्यू करना बंद कर दोगे। मेरा जो कोर्स था वो भी बना के रखा हुआ था, बट अनकंडीशनल लव इज अ मिथ। क्रैश कार्ड इसका निकलवा दिया, शौक चढ़ाया खुद से अपनी बाइक वॉश करने का। कहीं पे भी आपको पता हो जहाँ दिल्ली में अच्छी शॉप है जहाँ पे अच्छा ह्यूज डिस्काउंट मिलता है एक्शन कैमरा वगैरह के लिए, खोलो रे, तुमको क्या मुहूर्त निकालोगे। गाइस इतनी भीड़ है यहाँ पे, खाना खाने आए थे मगर ये तो अजाब हो गया। ऑर्डर दिए, इतना वक्त हो गया, रोटी आ नहीं रही है, घर जा नहीं रही, सालन ला के सामने रख दिए हैं, सालन क्या सूखे खाए हम। Assalamu alaikum guys, this is Akim Adeem, you're watching me on channel and Khan, I'm back in the brand new vlog. Welcome to the 28th day of Ramadan. 28th roze mein aap sabhi ka swagat hai. Kal wale mere vlog mein na kuch comments aaye the, matlab kuch log pooch rahe the ki bhai Ramzan ke baad kya aap vlogs continue karna band kar doge, to most probably haan. Khair abhi ja rahe namaz padhne ke baad baki baatein karenge. नमाज अपनी हो गई। सो आई वॉज सेइंग कि मैं रमज़ान के बाद व्लॉग्स जो है कंटिन्यूसली नहीं डाल पाऊंगा, जैसा कि मैं रमज़ान में कर लेता था, हर रोज़ एक व्लॉग आ जाता था, क्योंकि रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें कम हो जाती, मतलब माइंड भी एक तरफ रहता, फोकस्ड रहता है। रमज़ान खत्म होने के बाद से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, डिस्ट्रैक्शन इस तरीके काम निकल आते हैं। उसके बाद फिर मेरे एंट्रेंस एग्जाम्स भी हैं, 20 दिन बाद मेरे 3-4 एंट्रेंस है लाइन से, उसके बाद फिर AMU का एंट्रेंस अलग है, मसले मसाले, उसके वजह से मैं कंटिन्यूसली तो नहीं कर पाऊंगा व्लॉग। फिर मुझे और भी काम है, मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, उन पर मुझे काम करना है। इस रमज़ान के बाद ही मैंने सोच के रखा हुआ, उस पर काम करूंगा। मेरा जो कोर्स था वो भी बना के रखा हुआ था, बट उसमें कुछ अपग्रेडेशंस करने पड़ेंगे, उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, उस पर फिर काम करूंगा इंशाल्लाह, उसको रिलीज करूंगा। तो अगर मैं डेली व्लॉग करूंगा, डेली व्लॉग कोई मतलब मजाक नहीं है, आपको घंटों शूट करना पड़ता है। रमजान में तो ऐसा रहता है, सुबह से आप कैमरा लो और शाम तक बीच बीच में जो आपको इंपॉर्टेंट मोमेंट्स लगते हैं उनको कैप्चर करो, फिर उसके बाद बीच बीच में वक्त मिले तो एडिट भी करते रहो साथ में, वरना फिर एक साथ अगर कलेक्ट हो जाती पूरी क्लिप्स, उनको एक साथ बैठ के मगरिब की नमाज के जस्ट बाद ही आओ दौड़ते हुए, उसके बाद फिर उसको एडिट करने बैठ जाओ, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद एक घंटा और एक्स्ट्रा ले लो, तो ऐसे टोटल 3-4 घंटे लग जाते हैं मुझे एडिटिंग में। शूट करने में भी जाते हैं घंटों, उसके बाद एडिटिंग करने में जाते हैं घंटों, मुश्किल है थोड़ा रोज़ कर पाना। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं रमज़ान में गिव अप कर रहा था, मैं डेली ब्लॉग्स नहीं करता, बट आप में से बहुत सारे लोगों ने इंसिस्ट किया, और जेन्युइनली आप में से कुछ लोग ना जेन्युइनली चाहते हो मेरे ब्लॉग्स देखना रोज़, तो उनके लिए मैंने किया हुआ था डेली व्लॉग्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि मैं कर लिया, आप लोगों को दिल से सल्यूट है, जो लोगों ने दिल से मेरे कंटेंट को पसंद किया, उसको सपोर्ट भी किया, आप ही लोगों के लिए मैंने डेली व्लॉग्स किया हुआ था। अदरवाइज आपको भी पता है कि काम कितने रहते हैं, सबके पास आज के वक्त में काम रहते हैं। और हाँ, लास्ट एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग जो कॉमेंट्स करते हैं ना, मैं अगर दिन भर हंस रहा हूँ, आपसे हंस के बातें कर रहा हूँ, चीज़ें शेयर कर रहा हूँ अपना समझ के, दैट डज नॉट मीन कि मेरे को कोई चीज़ बुरी नहीं लगती, या फिर मैं उसका अच्छे से जवाब नहीं दे सकता, या फिर मैं हर चीज़ को ऐसे मजाक में ले लूंगा, ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, स्पीक गुड और रिमेन साइलेंट, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो चुप रहो। सामने आपको लग रहा होगा आप मुझे देख रहे हो तो आपका कोई कनेक्शन मेरे से बिल्ड हो गया है, आपके गली मोहल्ले जैसा हो गया है, आके उसको ऐसे ट्रीट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे हम इज्जत करते हैं अपनी ऑडियंस की, वैसे ऑडियंस को भी जरूरी है कि एक क्रिएटर की इज्जत करें। ये नहीं कि आप जैसे अपने घर में बातचीत करते हो वैसे कॉमेंट्स में लिख दो। मैं सिल्वर स्पून के साथ भी नहीं पैदा हुआ था अपने घर में, बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं यार, बुरा फील करने वाली बात नहीं, सबको अपनी अपनी जिंदगी में जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसा मत कॉमेंट किया करो, मैं भी बहुत सरकास्टिक हूँ, मैं अगर अपने सरकैज़म पे आ गया ना तो उनको बुरा लग जाएगा, और फिर लोग भी कहेंगे अरे आके भाई ऐसे कैसे बोल दिया आप, हम भी बहुत सरकैज़म वाले हैं, ठीक है। जैसे आप मुझे कमेंट करके बोल लो मुझे लगता है आप काम चोर हो, कभी काम करते नहीं दिखते, आपके सारे दोस्त मेहनत करते रहते हैं, वैसे मैं भी बोल सकता हूँ भाई तुम तो बड़े बेरोजगार हो, अब्बा के टुकड़ों पे पल रहे हो, कुछ तो करते नहीं हो, सिर्फ दिन भर मैं तुमको देखता हूँ कमेंट करते रहते हो इधर उधर। ये एक दो लोगों के लिए था, सबके लिए नहीं है, इसके लिए बुरा मत फील करना। आई लव माई ऑडियंस, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अगर वो बदले में रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो अनकंडीशनल लव नहीं करता है कोई भी, अल्लाह भी नहीं करता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अगर तुम ईमान लेकर आओगे मुझ पर और जो मैंने अमल तुमसे बोले करने के लिए वो करोगे तो तुमको जन्नत की बशारत देता हूँ। ऐसा नहीं कि बस हाँ मेरा बंदा है तू कुछ भी कर और आखिरी में आएगा मैं तुझको जन्नत दे दूंगा माफ़ करके, ऐसा नहीं होता है। अनकंडीशनल लव इज अ मिथ, याद रखना। गाइस दोपहर का वक्त हो चुका है, जोहर की नमाज भी हो चुकी है, अभी मैं गैरेज की तरफ जा रहा था, अरे यार बाइक को बाहर खड़ी कर दो धूल हो जाती है। ये देख रहे हैं आप, क्रैश कार्ड ये निकलवाना था,
ना, इट्स अ काइंड ऑफ मूड स्विंग, होता रहता है कि चेंजेस चाहिए इंसान को, तो वो थोड़ा चेंज कराने का सोच रहा हूँ मैं। क्रैश कार्ड निकलवा दूंगा उसके, मतलब सही नहीं लगता है। और भी छोटी मोटी चीजें हैं वो जाके गैरेज पे देख लेंगे, अभी चलते हैं। एक सेकंड पीछे रह गया और 90 सेकंड के लिए ट्रैफिक लग गया, मतलब रेड लाइट आ गई, 90 सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा। एक सेकंड से ऐसे आदमी मात खा जाता है। क्रैश कार्ड इसका निकलवा दिया है, एकदम नंगी पुंगी हो गई जैसे थी वैसे। और इसकी पार्किंग देखिएगा ज़रा, अपने आप में ही एक अलग ही जहाँ है इसका, वखरा जहाँ है। नहीं नहीं नहीं, उसी पर रहने दो ना, पेडॉक है तुम्हारा, खुलिया पानी। अरे जनाब को शौक चढ़ाया खुद से अपनी बाइक वॉश करने का, प्रेशर आ रहा है कि नहीं? और ये अपनी बाइक चकाचक हो चुकी है भाई, चमकती है मस्त। और आज पूरे खानदान का गाड़ी धुला जाएगा यहाँ पे। इन सब गाड़ियों के बीच में मेरी सीटी जो है लेफ्ट आउट फील कर रही है, उसको हम लोगों ने नहीं धुला, बट इंशाल्लाह उसके लिए पूरा कल का एक दिन हम डेडिकेट करेंगे। कल इंशाल्लाह आखिरी रोजा है और आखिरी रोजे में अपनी गाड़ी को एकदम आखिरी बार चमका देंगे। मेरी लेफ्ट आई में पता नहीं क्या हो गया है, दर्द हो रही है, विजिबिलिटी भी हल्की हल्की कम हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है। आई गेस रिग्रेसिव एडिटिंग करने की वजह से। रात में एकदम ब्राइटनेस तेज रहती है फोन की, वो ब्लू वाली लाइट जो है आती है ना। अभी हम कैमरा घुमा देंगे, डिस्टर्ब मत करो हमको, ठीक है? मैं एक्शन कैमरा लेने की सोच रहा हूँ। अगर आप में से कोई एक्शन कैमरा रखा है यहाँ अलीगढ़ में तो प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताएं, मुझे चेक कर रहा है एक्शन कैमरा कैसे ऑपरेट होता है। और मैं लैपटॉप तो रखा हुआ बट मैं उसमें वीडियो एडिटिंग नहीं करता हूँ, फ़ोन में करता हूँ, तो मुझे चेक करना था फ़ोन में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वीडियोस और उसकी फिजिबिलिटी कितनी है, आसानी है या मुश्किल है, और कितना कन्वीनियंट है फ़ोन में डायरेक्ट फुटेज ले लेना एक्शन कैमरा से, और क्या बोलते हैं गोप्रो या DJI का किसी का भी जो बेहतर लगे। आपको क्या सही लगता है, अगर कोई यूज़ किया हुआ तो वो सजेशन दे, ऐसे नहीं जो यूज़ करता है और जिसको फ़र्क पता है DJI और क्या बोलते हैं GoPro Hero 12 शायद चल रहा है लेटेस्ट वाला, इन सब में जो डिफरेंस है वो कमेंट्स में बता दे। और फिर दिल्ली में जो रहता है वो बता दे मुझे कहाँ पे मिलेगा लोकेशन, कहीं पे भी आपको पता हो जहाँ दिल्ली में अच्छी शॉप है जहाँ पे अच्छा ह्यूज डिस्काउंट मिलता है एक्शन कैमरा वगैरह के लिए तो बताइएगा। इंशाल्लाह मेरा प्लान है ईद वाले दिन मैं दिल्ली आऊँगा तो वहीं से लेकर फिर आएँगे वापस अलीगढ़। ऐसे लहरा के तू रूबरू। बड़ा एक्सट्रीमिस्ट आदमी है भाई, पागल हो गया क्या? लो तुम्हारा टी-शर्ट भी गंदा हो गया, अब सब दाग पड़ेगा। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा कैसे, कोई एक नर जब मादा का काम करता है तो कैसे काम बिगाड़ देता है कभी कभी। जल्दी मरो यार, इरिटेट कर दिया मुझे। सायरन बज चुका है, रोजा खोल लें। देखिए मोबाइल चला रहा है रोजा खोलने के वक्त। बिस्मिल्लाह। ए, खोलो रे, तुमको क्या मुहूर्त निकालोगे, पंडित को बुलाया कुंडली पड़ेगा तुम्हारा। धीरे धीरे दुआ पढ़ेंगे, जहबस जमाऊ अब्तल लतील रुकू व सबतल अजरो इंशाल्लाह।
सो गाइस मगरिब की नमाज खत्म हो गई। व्लॉग एंड करने से पहले एक जरूरी बात, एक भाई का कमेंट आया हुआ था, उनका नाम है, लंबा सा नाम है, जुनैद रमजान लोन लोन जुनैद। तो जुनैद रमजान लोन लोन जुनैद भाई का ये कमेंट था, वो बोल रहे थे कि मेरा नाम जुनैद रमजान लोन लोन जुनैद, ऐसा वो बोले नहीं कि मेरा नाम जुनैद रमजान लोन लोन जुनैद है, बट उनके नाम में ऐसा ही लिखा हुआ था। तो उनका कहना था कि नफीस भाई की क्या स्माइल है, नफीस भाई को मेरा सलाम कहिएगा, जब वो सलाम का जवाब देंगे तो अगले व्लॉग में मेरा नाम लेके वो जवाब दिखा दीजिएगा। तो इनका नाम था जुनैद रमजान लोन लोन जुनैद। तो जुनैद रमजान लोन लोन जुनैद भाई को सलाम कीजिए। सलाम करेंगे कि वालेकुम करेंगे? अरे तो सलाम का जवाब दीजिए भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुह। आवाज़, अगर आवाज़ नहीं पहुँची है तो समझ जाइए अभी कुछ देर पहले पानी फेंका मसाले में ना, वैसे इसके अंदर का पानी जो है फेंक गया है। मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम कैमरा घुमा देंगे, डिस्टर्ब मत करो हमको, ठीक है? उधर नंगा बिना कपड़ों के, उधर कपड़े साबुन लगा रहा कपड़ों में। अभी एक बार कैमरा घुमाऊंगा, सारी इज्जत उसकी पानी में मिल जाएगी। जब ना, अरे यार क्या बोला था, कैसे एक नार नारी नहीं नर मादा 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 किसको बोलते हैं, वीमेन को बोलते हैं, नर किसको बोलते हैं, मर्द बोलते हैं। तो देखा आप भाई का पढ़ो।